गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 6 के तहत यानी घन और घनफल के तहत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम लोग इस अध्याय से संबंधित एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान में क्वेश्चन का हेडिंग क्या हो रहा है? क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ध्यान में भी यहाँ क्या बताया कि पूर्ण घन नहीं है। इसके तहत 8 संख्या दिए गए हैं, यानी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको जांच करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इतना मत संख्या जो है कितना है, ये संख्या को 400 दिया गया है। अब क्या करते हैं, तो इसको पहले भाग भी से इसको हम लोग खंडित करने का काम करते हैं, यानी तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग गुणा के रूप में सजाते हैं और सजाने के बाद तीन तीन अंक को हम लोग एक मतलब जोड़ा बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। यदि इनके सभी गुणनखंड पूर्ण रूप से तीन तीन अंकों या तीन तीन संख्याओं के रूप में जोड़ा बन जाते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण घन संख्या होती है। परंतु यदि तीनों इनके गुणनखंड तीन तीन संख्या लेने पर यदि वो पूर्ण वर्ग सॉरी पूर्ण घन रूप में नहीं बन पाते हैं तो ये सब संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 400 दिया गया पहला संख्या, इसको थोड़े भाग विधि से थोड़े के दो से दो दुगुनी 4 डबल 0, फिर दो से दो एक दो डबल 0, फिर दोस्तों थोड़े के दो पच्चे 10 एक 0, फिर दोस्तों थोड़े के 25 दुगुनी 50, अब थोड़े 5 से 50 25 और 5 एकम 5। ठीक है, इसके गुणनखंड तोड़ दिए गए छोटे छोटे अंकों द्वारा। अब जो उनके गुणनखंड है उसको क्या करेंगे, गुणा के रूप में सजा देंगे। ठीक है, यानी कहेंगे 2 × 2 × 2 यानी 1, 2, 3, 4 बार गुणा है, 2 को लिखेंगे 4 बार, फिर 5 को लिखना है 2 बार, लिखेंगे 5 को 2 बार गुणा के रूप में। चलिए अब क्या करेंगे जी, तो इनमें से तीन तीन संख्या तीन तीन अंक को लेकर हम लोग पेयर बनाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, केवल ही चलती है घन। ठीक है, वर्ग था दो दो अंक के लिए, यहाँ था घन में तीन तीन अंक के लिए। तो ये आपको बन जाएगा कि एक जोड़ा जब क्या है संख्या आपको बराबर हो 2 × 2। अब यहाँ पर दिख रहा है 2 × 5 और यहाँ पर दिख रहा है 1 × 2, यानी पूर्ण घन होने के लिए आपको 2 की संख्या 2 और चाहिए और 5 की संख्या 1 और चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको पूर्ण घन संख्या बढ़ेगी। कुछ लिखेंगे यहाँ पे कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, और नहीं पूछा भी गया है। अब क्यों मैं समझ में आप करण क्या है जी, तो यहाँ पे 2 और तो होना चाहिए और इसमें 1 और 5 होना चाहिए गुणा रूप में, तभी आपको ये संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाएगी या होगी। ठीक है, यही इसके कारण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें तो दिया है 342। क्या करेंगे इसको पहले तोड़ेंगे छोटे छोटे अंकों द्वारा, तो तोड़ेंगे पहले 2 × 2 × 2 = 14 और 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ आ गया 371 या कटेगा आपको 3 से कटेगा जी, कटेगा 3 से 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 21, 3 × 7 = 21, अब कटेगा आपको 19 से
सॉरी अपनी से कट जाएगा तीन से, तीन एकम तीन, दो बजे हो जाएगा सताइस, तीन नौ सताइस, उन्नीस एकम उन्नीस। तो यहाँ पर क्या मिल चुका है जी, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू नाइनटीन। तो देखेंगे इसमें एक दो है, दो तीन है और एक उन्नीस है, इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो जोड़ा ला सकता है। ये तो आपका ऐसा दिख रहा है कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, इसका कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हृदय में क्या है, या पूर्ण घन, या पूर्ण घन संख्या, या पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसके गुणनखंड आपस में जुड़ा नहीं रहा है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर वन टू, अब एक क्वेश्चन को बताए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, समझेंगे इसको, इसको मिटाने के पहले, ठीक है, इसको मिटाएंगे क्वेश्चन नंबर वन को, और ये बताते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। समझे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है जी, इसमें को लिखा गया है अड़सठ हजार छह सौ दिया गया संख्या, अड़सठ हजार छह सौ संख्या दिया गया है, क्या करेंगे इसके कॉलम में छोड़ेंगे छोटे छोटे अंकों द्वारा, इसमें दो से तो दो दिया है छह, दो चौके आठ, दो दिया है छह और डबल जीरो, फिर तोड़ेंगे दो से दो एकम दो, दो सत्य चौदह, दो एकम दो, दो पच्चे दस और एक जीरो, फिर तोड़ेंगे दो से दो बटे सोलह, दो पच्चे दस, दो सत्य चौदह, दो पच्चे दस। अब आप प्रयोग करें दो से क्या भी यहाँ पांच आ चुका है, अब उठेगा आपको तीन से तीन दुगुनी छ, तीन बटे चौबीस, तीन चलने करेगा, ठीक है, प्रयोग इसको पांच लाएंगे, इसको पांच, पांच एकम पांच, तीन बचे क्या बचेगा पैंतीस, पांच सत्य पैंतीस, फिर पांच एकम पांच, दो बजे हो जाएगा पच्चीस, पचास पच्चीस, ठीक है, यानी पांच एकम पांच हो गया पैंतीस, पांच सत्तर पैंतीस, फिर पांच एकम पांच, दो बजे हो जाएगा पच्चीस, पचास पच्चीस, फिर कटाएंगे पांच से, पांच पिया पंद्रह जगह इक्कीस, पांच चौके बीस और पांच पिया पंद्रह, और यहाँ पा चुका है क्या जी, थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री, और यहाँ कटा के आपको इस तरह के कुछ सात से कट जाएगा, सात से यानी सात चौके अट्ठाईस, अट्ठाईस छ चौंतीस, छ हो जाएगा तिरसठ, यानी सात नवा तिरसठ, कटेगा सात से सात सत्य उनचास, फिर सात से सात कन्या सात, सात एकम सात, तो पूरा कट चुका है संख्या। अब इसको लिखेंगे गुणा के रूप में, क्या लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, फिर लिखेंगे फाइव इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव, फिर लिखेंगे सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन। अब यहाँ देखेंगे जो सेवन है ये तो आपको बना रहा है जोड़ा आपस में, जो आपका यहाँ टू है ये भी बना रहा है जोड़ा, लेकिन क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है दो पांच, इसमें आपको एक और पांच की आवश्यकता है पूर्ण घन होने के लिए, क्या है जी, इसमें आपको यहाँ पे एक और पांच की आवश्यकता है पूर्ण घन होने के लिए, इसलिए क्या है ये संख्या का पूर्ण घन नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये अधूरा बन रहा है, इसके लिए एक और पांच की आवश्यकता है, तभी क्या ये संख्या पूर्ण घन संख्या होगी या कहलाएगी, ठीक है। चलिए देखेंगे कि यह संख्या क्या जी, यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, संख्या पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है जी, तो यहाँ एक और पांच की आवश्यकता है, इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो चलिए आप समझिए क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री, ठीक है, बचा गया क्वेश्चन नंबर फाइव यानी सिक्स फोर्थ लेकर के एट तक, इसे आपको सरल सरल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आप समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, यही विषय आपको बनाना है, वैसे हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें समझ चुके होंगे,
मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।